हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार आईटी कंपनियों के बारे में। पहला है एससीएल टेक और दूसरा है इंफोसिस। देखिए, आज मार्केट में गिरावट थी। आप देखिए, सेंसेक्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो 335 पॉइंट टूटा है आज जरूर है, लेकिन उसके बावजूद एससीएल टेक में कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इंफोसिस में तो हल्की सी तेजी भी हमें देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये दोनों शेयर अब दौड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि एससीएल टेक लंबे समय से 900 रुपए के आसपास घूम रहा है, अभी भी तेजी नहीं बनी है, और इंफोसिस अभी भी अगर हम देखें तो 1,300 रुपए के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके है कि नहीं और कितना टारगेट आप यहाँ पर से अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम एससीएल टेक्नोलॉजी के साथ। 925 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 3.5% की अभी भी गिरावट है। अब देखिए, 960 रुपए के लेवल से टूट कर नीचे आया, 899 तक पहुंचा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, लेकिन अभी भी आप देखिए लंबे समय से ये 900 रुपए और 930 रुपए के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी तेजी अभी भी यहाँ पर बनी नहीं है, मतलब बड़ी तेजी की अभी भी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में एससीएल टेक्नोलॉजी में 75% का ग्रोथ है, और देखिए 524 रुपए का शेयर था। और एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जब भी तेजी आई है, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, दोबारा बड़ी रैली आई, 1,000 रुपए से ऊपर शेयर निकला था, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वहां से अब यहां से वापस दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है ये शेयर, यहां से दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 18 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेडेड शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोटर के पास 43.87% की होल्डिंग है, 24.14% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 6.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहां पर हम देखें तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और 2.18% की होल्डिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास है, और 3.22% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है, 45 म्यूचुअल फंड स्कीम और 1,115 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, और डिविडेंड में भी कोई कंजूसी नहीं कर रहा है ये। 300% का डिविडेंड, मतलब इसी साल अप्रैल महीने में इन्होंने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया हुआ, 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर पे किया, और स्पेशल डिविडेंड भी इन्होंने पे किया है, तो काफी बड़ा डिविडेंड। अगर मैं आपको पूरा कैलकुलेशन अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना डिविडेंड है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं और हालांकि कंट्रोल में भी है सिचुएशन, लेकिन फिर भी आईटी कंपनियां अभी थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 11% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म की अच्छी कमेंट्री जरूर है, 1,100 रुपए से भी ज्यादा का टारगेट एचडीएफसी सिक्योरिटीज का है, 1,300 रुपए तक का टारगेट मोतीलाल ओसवाल का है, और बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनका टारगेट 1,100 रुपए से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, रेवेन्यू शानदार है, हर क्वार्टर में अच्छे रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी 19,640 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में आया था, और प्रॉफिट अगर हम देखें तो हालांकि प्रॉफिट कम था और यही वजह थी कि शेयर टूट रहा था, लेकिन अब लंबे समय तक शेयर किसी एक जोन में फंस चुका है, अब यहाँ से वापस दौड़ने के लिए तैयार भी हो चुका है। यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको डिविडेंड के बारे में कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूं तो इसी साल इन्होंने 2 डिविडेंड पे किया है, एक इंटरिम 3 डिविडेंड आप मान के चलिए। हाँ देखिए, इस साल 200% का डिविडेंड था, फिर 29 अप्रैल को 500% और 300% के आसपास का डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है। यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी साल ये तकरीबन 20 रुपए तो ये ऑलरेडी डिविडेंड के तौर पर दे चुका है। 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो पहला 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था 200% का। बाद में अगर हम देखें तो इसी साल चौथे महीने में, अप्रैल महीने में 500% का स्पेशल डिविडेंड पे किया, मतलब 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला आपको, और उसके बाद 300% का डिविडेंड यहाँ पर मिला इंटरिम डिविडेंड कुल, और 6 रुपए पर शेयर, मतलब तकरीबन अगर देखें तो तीनों डिविडेंड का मिलाकर अगर हम देखें तो 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड तो ये ऑलरेडी पे कर चुका है।
पिछले साल भी अगर हम देखें तो कोरोना काल था, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 3 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था और कुल मिलाकर आप देखिए 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए तक का डिविडेंड था। 2019 में तो भाई साहब ये वो कंपनी थी जिन्होंने 5 बार डिविडेंड पे किया था, 2019 में 5 बार डिविडेंड, हालांकि हर बार 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। 2018 में भी 4 बार डिविडेंड पे कर चुके हैं और हर बार 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। 2017 में भी इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया है और यहाँ पर डिविडेंड ज्यादा था, यहाँ पर आप देखिए 6 रुपए 6 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तकरीबन अगर देखा जाए तो 16 रुपए तक का डिविडेंड इन्होंने पे किया था। तो देखिए अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं, और सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, ये वो कंपनी है जो अच्छा बोनस भी बांटती है। 2019 में इन्होंने बोनस दिया था, उससे पहले 2015 में इन्होंने बोनस दिया था, तो बोनस और डिविडेंड दोनों अच्छे खासे बांटते हैं ये। और एससीएल टेक मुझे लगता है कि लंबे समय से ये शेयर अब यहाँ पर है, दौड़ने के लिए तैयार है, खरीदारी के मौके हैं, डेफिनेटली यार इसमें खरीदारी बनती है। जब भी ये शेयर नीचे के लेवल पर आता है खरीदारी के मौके बनते हैं और आप वहां पर बिना हिचकिचाए बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं डेफिनेटली बाइंग करिए, अच्छा डिविडेंड और बोनस पेइंग शेयर है ये और फायदा तो इसमें छुपा ही है। शेयर में तेजी जरूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा यही प्रीफर करूंगा कि शेयर में आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाइए, 2-3 साल का कम से कम होना चाहिए। अच्छा डिविडेंड और बोनस दोनों आपको पे कर सकता है ये शेयर, तो बने रहिए, यहाँ पर खरीदारी करी है बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा इन्फोसिस शेयर है, ये मेरा पसंदीदा शेयर है। दोनों एसएल हो या फिर इन्फोसिस या फिर विप्रो, तीनों मेरे फेवरेट शेयर्स हैं और ये तीनों शेयर ऐसे हैं कि जो आपको डिविडेंड तो अच्छा पे करेंगे लेकिन बोनस भी आपको अच्छा पे कर सकते हैं। 1,340 रुपए का शेयर इन्फोसिस है, यहाँ पर 1 महीने में अगर हम देखें तो देखिए पिछले 1 महीने से शेयर लगातार एक रेंज में फंस चुका है, ये 1,315 रुपए से लेकर 1,360 रुपए के रेंज में घूम रहा है। ना कोई बड़ी तेजी है ना कोई बड़ी गिरावट है, जहां था वहीं के आसपास घूम रहा है। पिछले 1 साल में हम देखें तो 99% का ग्रोथ है और आप देखें तेजी अच्छी खासी है। पिछली बार भी शेयर थोड़ा सा लंबा फंसा था लेकिन बाद में अच्छी रैली दिखाई, अब वापस थोड़ा सा फंस रहा है लेकिन तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 6.25 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएसई में देखें तो 13 से 14 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो 5.25 लाख के आसपास का है। अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हर कोई बड़ी क्वांटिटी में शेयर लेके बैठे हैं, प्रमोटर भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं और भाई साहब डिविडेंड के मामले में इसका भी कोई जवाब नहीं है। 300% का डिविडेंड इसने भी इसी साल पे किया है, तकरीबन 15 रुपए पर शेयर का। मैं आपको अगर डिविडेंड का पूरा कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए इस साल का डिविडेंड इन्होंने जो दिया है 2021 में वो भैया 15 रुपए पर शेयर का है, 15 रुपए पर शेयर। पिछले साल कोरोना काल में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था, पहली बार 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था, बाद में 12 रुपए का डिविडेंड पे किया था। 2019 में देखे तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड था, जब पहली बार 4 रुपए का पे किया, फिर 10.5 फिर 8 रुपए का। 2018 में देखे तो भी बढ़िया था, 10 रुपए 20.5 रुपए और 7 रुपए। तो आप देख रहे हो किस तरीके से डिविडेंड की मतलब यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बढ़िया डिविडेंड है ये। 2017 में भी देखेंगे तो 14.5 रुपए और 13 रुपए तक के डिविडेंड देखने को मिलते थे, 2 बार डिविडेंड था। 2016 में भी इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 14.5 रुपए और 11 रुपए तक का डिविडेंड था। तो ये भैया डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है। इतना ही नहीं बोनस बोनस भी आप देखें 2014 15 18 में इन्होंने बोनस पे किया है, 2021 में बोनस मिलता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। 2018 में इन्होंने जुलाई महीने में पे किया था, 2021 में इस बार बोनस का क्या हालचाल है वो जरूर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों शेयर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, दोनों आईटी से जुड़े हुए शेयर है और दोनों में आपको बढ़िया रैली देखने को मिल जाएगी। कंपनी ऐसी है जो आपको डिविडेंड और बोनस से मालामाल कर सकती है, तो अगेन पोर्टफोलियो में रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चलिए और फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अगेन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, यहाँ पर बेहतरीन शेयर है, अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें। उसके साथ साथ HCL Tech और इन्फोसिस ये दोनों ही काफी बढ़िया शेयर है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है
वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे कौन से आईटी शेयर्स जो आपको पसंद आते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।